दोस्तों, हर कोई रिवर मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता है। वैसे आपको लग सकता है कि सबसे बड़े प्राणी सिर्फ समुद्र में ही मिल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये बड़ी जीव नदियों में भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ तक कि इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े रिवर मॉन्स्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रोपर। फिशिंग के जानकार लोगों ने जेरेमी के बारे में सुना ही होगा, जो कि नदी में मौजूद सबसे बड़ी मछली पकड़ने के अभियान में निकले हुए थे। लेकिन तब वह चौंक गए जब उनके हुक में बिल्कुल अलग तरह की मछली पकड़ में आ गई, जो कि वहां बुल शार्क की तलाश में गए थे, जो कि उस जगह स्थित था जहां की समुद्र का पानी और नदी का पानी का मिलाप होता था। जिन्हें वहां कोई बुल शार्क तो नहीं मिली, लेकिन उनके फंदे में बिल्कुल अलग तरह की मछली आ गई थी, जिसे पूरी दुनिया में ग्रोपर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। और कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी जिसमें चाइना के एक एक्वेरियम में रहने वाली ग्रोपर मछली ने 3.5 फुट की लंबी शार्क को खा लिया था, जो वहां किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोलायर टाइगर। ये एक और प्रीडेटर मछली है जिसका नाम भी बड़ा डरावना है। एक ऐसी मछली है जिसका कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, जो कि सिर्फ कॉन्गो रिवर बेसिन में ही पाई जाती है, जिन्हें वहाँ बेंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आकार में 5 फुट तक लंबी हो सकती है और वजन में ये 110 पाउंड तक हो सकती है। इनका ये खूंखार दांत जो कि 1 इंच तक लंबे हो सकते हैं, और इनके ये बड़े दांत तब भी दिखाई देते हैं जब ये मछली अपना मुंह बंद करके रखती है। और सवाली लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि ये लोग मछली को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं और इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, जो कि मानते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि इंसान पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाती। यहाँ तक कि लोकल लोगों का मानना है कि इस मछली के अंदर कोई बुरी आत्मा है, जिसकी वजह से उन पर ये वार करती है। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल दुनिया की सबसे अलग तरह की मछली मानी जाती है। वैसे तो इलेक्ट्रिक ईल की 500 से ज्यादा स्पीशीज दुनिया भर में पाई जाती है, मगर साउथ अफ्रीका में रहने वाली ईल मछली, जो कि कीचड़ वाले तालाबों में रहती है, जो कि हर 10 मिनट में सांस लेने के लिए ऊपर आती है, जो कि 8 फुट तक लंबी भी हो सकती है और वजन में 45 पाउंड तक जा सकती है, जो कि सफेद, काले और नीले बैंगनी कलर में भी देखी जाती है, जिसके शरीर में मौजूद 80% ऑर्गन बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही इनके शरीर पर 6000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गेल्ड भी पाए जाते हैं, जो कि अपने शरीर से 600 वोल्ट तक की बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि किसी सामान्य ईल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। और माना जाता है इनके झटके से एक व्यस्त घोड़ा भी सेकंड में गिर सकता है, जिसके लिए इंसान को मारना तो सिर्फ कुछ सेकंड का खेल है। सॉफिश। सॉफिश को अपनी अजीब तरह की नाक के लिए जाना जाता है, जिनकी नाक चपटी होती है और किसी आरी की तरह दिखती है, जिसके हर तरफ 20 दांत भी मौजूद होते हैं, मगर इनमें से कोई भी दांत उनके शिकार करने में मदद नहीं करते, जो कि असल में एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो कि इस मछली को बताते हैं कि उनका शिकार उनसे कितनी दूर है। और दूर से देखने पर वैसे तो ये दांत दिखाई देते हैं, मगर असल में एक तरह के स्केल्स होते हैं, जिन्हें नुकीले दांत की शेप ले लिया है, जिनके असल दांत इनके मुंह के अंदर होते हैं और बिल्कुल एक स्टिंग रे मछली की तरह दिखाई देते हैं, जो कि असल में स्टिंग रे जैसी मानी जाती है, क्योंकि इन सब मछलियों के बोन स्केलेटन एक जैसा ही होता है और वो कार्टिलेज से बना होता है, जो कि आकार में 20 फुट तक लंबी हो सकती है। वैसे तो बहुत सी सॉफिश पाई जाती है, मगर ग्रीन सॉफिश सबसे बड़ी होती है, जो कि 24 फुट तक लंबी हो सकती है। जायंट स्टिंगरे। जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे बहुत ही रेयर मानी जाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली भी कहलाती है। जेरेमी नामक इस व्यक्ति ने केवल एक ऐसी मछली को पकड़ा जो कि आकार में काफी बड़ी थी, साथ साथ एक ऐसी स्टिंगरे को भी पकड़ा जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसने उस वक्त बहुत से बच्चों को जन्म दिया। जिनकी आकार की बात करें तो इनकी चौड़ाई 6 फुट से ज्यादा हो सकती है और वजन में 1300 पाउंड से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि वैसे तो इतनी एग्रेसिव नहीं होती है, मगर इनकी पूंछ में लगा हुआ डंक, जिसमें जहर भरा होता है, किसी के मांस के साथ हड्डी को भी फाड़ कर निकल सकती है, और माना जाता है इन्हें पकड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कलुगा स्टर्जन। दोस्तों, चाइना की नदी में मिली ये मछली, जिसे कलुगा स्टर्जन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। हालांकि हमने इस वीडियो में बहुत सारी पहली बड़ी मछलियों को देख लिया है, मगर इस मछली का वजन 2200 पाउंड तक हो सकता है, जो कि लंबाई में 18.5 फुट तक भी हो सकती है, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा है, जिसे चाइना में खाने के लिए कच्चा ही परोस दिया जाता है, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के बस की बात है। इसके शिकार को रोकने के लिए बेशक बहुत सारे नियम बनाए गए, मगर फिर भी इनका शिकार होता आ रहा है। नील पर्च। नील पर्च को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि अफ्रीकन स्नूप और गोलायत पर्च। ये मछलियाँ कॉन्गो नदी में बहुत ही बड़ी संख्या में मिलती हैं, जो कि अफ्रीका के खाने का बहुत बड़ा स्रोत है। ये सिल्वर ब्लू कलर की मछली अपने बड़े आकार के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, जो कि 6 से 7 फुट तक लंबी हो सकती है
और वजन में 440 पाउंड तक भी हो सकती है, जो कि दूसरी मछलियों को खाती है, जिनमें उनकी अपनी प्रजाति की मछलियां भी शामिल होती है। लेकिन इनकी इन्हीं आदतों के कारण इनकी अपनी प्रजाति के ऊपर खतरा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इन मछलियों को खतरे वाली 100 प्रजातियों में रखा गया है। जायंट साइमिस कॉर्प। ये जायंट साइमिस कॉर्प बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मछली मानी जाती है, जो कि कंबोडिया थाईलैंड की नदियों में भी देखी जाती है। इनका शरीर नीले भूरे और हरे स्केल भी देखने को मिलते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा और पिंक कलर का जबड़ा होता है, मगर अपने खूबसूरत शरीर के कारण इन्हें हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ दिख रही है मछली जो कि 220 पाउंड वजनी है, जो कि इस साइज में बहुत ही रेयर देखी जाती है। और अगर इस प्रजाति की सबसे बड़ी मछली की बात करें तो उसका वजन 661 पाउंड था, जो कि इस मछुआरे द्वारा एक फिशिंग नेट से पकड़ी गई थी, जिसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। वजन में भी ये बहुत ज्यादा होती है और ताकतवर भी होती है, जिसे आसानी से किसी के हाथ नहीं लगती। कैटफिश। ये इटालियन मछुआरा तब शौक में आ गया जब इसने 2800 पाउंड की कैटफिश को पकड़ लिया था, जिसका नाम डेरियो फेरारी था। और इस मछली की बात करें तो मछली आकार में 9 फुट लंबी थी और वजन में 2800 पाउंड की थी। अगर अखबार में छपी खबर को सच मान भी लिया जाए तो इस शख्स ने इस मछली को स्टील रॉड से पकड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और अगर इस मछली की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है, जो कि आसानी से इस मछुआरे को भी खा सकती है, जिसे देखकर सच में बड़ा अजीब लग सकता है कि कैसे कोई इंसान स्टील रॉड से इतनी बड़ी मछली को पकड़ सकता है, जिसका आकार किसी नाव से भी बड़ा है। और आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।